शर्मा का चैप्टर जो है ये, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर हमारा जो है चैप्टर टू का पहला क्वेश्चन है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि अ वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री। तो ये वेक्टर ए है जो 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, एंड बी मेक्स एन एंगल 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस के साथ, तो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का, और बी जो है ये टोटल 110 डिग्री का, यहाँ से देखेंगे ये 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 एंड 4। तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 का है, 3 मीटर, और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 मीटर का है, ये गिवन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट के लिए जो फार्मूला नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं वही फार्मूला यहाँ पे भी हम लोग यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का। अब देखा जाए तो ए और बी के बीच जो एंगल बन रही है, हमें सिर्फ ए और बी देखना है, ए और बी के बीच एंगल बन रही है कितने की, 90 डिग्री, क्योंकि ये 20 है और ये 110। 110 माइनस 20, 110 माइनस 20 डिग्री, मतलब 180 डिग्री की ये एंगल बन रही है। तो इस हिसाब से जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फार्मूला होगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए 3 का स्क्वायर और बी जो है वो 4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 9 प्लस 16, विच इज इक्वल टू 25, तो 5 मीटर का इसका मैग्नीट्यूड बनेगा, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 मीटर का। तो चाहे तो हम इसको रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड को यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, और जो इसका रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन भी कुछ इस तरह की बनेगी, इस तरफ ऐसे, ये इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि मुझे, हमारे से ये भी पूछा, अगर हमें डायरेक्शन भी लेना हो, यहाँ पे तो सिर्फ रिजल्टेंट पूछा गया है, लेकिन अगर डायरेक्शन भी लेना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हमेशा हम लोग टेन थीटा का यूज इस्तेमाल करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, परपेंडिकुलर जो है वो 4 है, 4 बाय 3। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 4 बाय 3, ये हो जाता है थीटा। अब ये जो वैल्यू है ना, ये कितने डिग्री के बराबर है, अगर ये देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट एक्स एक्सिस के साथ कितने का एंगल बना रहा है, अगर हमें ये बताना हो तो ये हम बता सकते हैं कि ये 73 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा उसमें, 73 डिग्री का एंगल बनाएगा विद एक्स एक्सिस, क्योंकि इसका रिजल्टेंट तो ये अलग है, इसकी अपनी एंगल अभी अलग होगी, थीटा अलग होगी, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ जो बनेगा टोटल 73 डिग्री का एंगल बनता है, वो आप निकाल सकते हो। पहले तो आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा जो थीटा मैंने निकाला है, जो ए के साथ बन रहा होगा, उसके बाद एक्स एक्सिस के साथ, उसके साथ इसमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, 20 डिग्री को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है।